हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉल्फिन अप्लायंस चैनल। आप सभी का खूब खूब स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की स्पेशल वीडियो में सेपरेट पाउच मशीन के लिए लेके आया हूँ, जो आज की मार्केट में, आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा चलने वाला बिजनेस है और बहुत ही ज़्यादा इनकम करने वाला बिजनेस है दोस्तों। तो इस टाइप की अब छोटी सी मशीन से दोस्तों बहुत सारा प्रोडक्शन होममेड घर बैठे कर सकते हो दोस्तों। रोजाना 5 से 7 हज़ार रुपये का इनकम कमा सकते हो दोस्तों। तो ये बिजनेस के अंदर मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, पूरी डिटेल्स दूंगा दोस्तों। कौन सा पाउच कितने का गिरता है, कितना एमएल फ्लेवर जाता है, कितने का लैंडिंग आता है मार्केट में, कितने का उसको सेल करना है। आपके वहां, आपको, आपके लोकल एरिया में भी इस टाइप का मशीन मिलता होगा, आपने देखा होगा दोस्तों। और आपके वहां अगर नहीं भी है तो आप इन न्यू प्रोडक्ट्स न्यू मार्केट में लॉन्चिंग कर सकते हो और एक नया, एक अपना बिजनेस, नया एक अपना फैक्ट्री होममेड घर बैठे बना सकते हो। ये बिजनेस के लिए ना तो आपको कोई जगह का जरूरत है, ना तो कोई मार्केट प्लेस में दुकान लेना है, ना भी कुछ करना है। इसको घर बैठे प्रोडक्शन बना के मार्केट में होलसेल में सेल करना है दोस्तों। तो ये बिजनेस है दोस्तों, सेपरेट पाउच मशीन का बिजनेस है। सेपरेट पाउच जो रहता है इस टाइप का, पेप्सी टाइप का, जो आपके मार्केट में भी बिक रहा होगा, आप देख सकते हैं पाउच जो आपके वहाँ भी मिल रहा होगा। चिल्ड और ठंडा होंगे, बच्चे लोग भी पीते होंगे, बड़े लोग भी पीते होंगे, सब अलग अलग लोग इस टाइप का ड्रिंक पीते होंगे दोस्तों। और मार्केट में बहुत ही ज़्यादा चलने वाला बिजनेस है। इसके अंदर दोस्तों बहुत ही सारा अलग अलग वेराइटीज़ रहता है, डिज़ाइन रहता है सेपरेट पाउच का, एट्रैक्शन दिखाने के लिए, मार्केट में लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ही सारे अलग अलग डिज़ाइनिंग इसके अंदर होते हैं दोस्तों। जैसे कि ये बोटल सेप पाउच है, इसको बोटल सेप पाउच बोलते हैं। उसके बाद इस टाइप के फ्रूट सेप पाउच है, ये फ्रूट सेप है, स्ट्रॉबेरी का फ्रूट है तो स्ट्रॉबेरी फ्रूट शेप है इसका। दूसरी जगह पाइनएप्पल का, तो पाइनएप्पल फ्रूट का शेप है। इसके अंदर आप पाइनएप्पल का ड्रिंक फिल करके पाइनएप्पल शेप सेल कर सकते हो। उसके बाद ये मैंगो शेप का है, जो अल्फांसो मैंगो रहता है उस टाइप का शेप है इसका। इसके अंदर आप मैंगो का ड्रिंक फिल करके मैंगो मार्केट में सेल कर सकते हो दोस्तों। तीसरे नंबर में इस टाइप का, जो पेपर बोट टाइप का, जो बाजार में 10 रुपए में मिलता है ड्रिंकिंग के लिए, इस टाइप का पाउच है। इस टाइप का भी पाउच इसके अंदर से आप फिलअप और भर सकते हो दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इस टाइप का अगर बोतल आपको भरना है, मैंगो, माजा, ऑरेंज फ्रूटी है, लीची का जूस है, बहुत सारा अलग अलग फ्लेवर के जूस इस टाइप के आप बोतल में भर सकते हो दोस्तों। इतनी छोटी सी मशीन से आप दोस्तों ये सब काम कर सकते हो, ऑटोमेटिकली कर सकते हो, घर बैठे कर सकते हो। घर में अगर आपका कोई दूसरा बिजनेस है, ठीक है, आप कोई जॉब कर रहे हो, कोई दूसरा बिजनेस कर रहे हो दोस्तों, तो ये मशीन लेके आप रोज रात को 2 से 3 घंटे फैमिली वर्क, फैमिली बैठ के भी ये काम कर सकते हैं। रोज रात को 2-3 घंटे बैठ के 2-3 हज़ार 5-4 हज़ार पाउच बना के सुबह नेक्स्ट डे आप मार्केट में इसको सेलिंग कर सकते हो। दूसरे नंबर में दोस्तों मैं अभी आपको इसकी थोड़ी कॉस्टिंग के बारे में मालूम दूं कि इसका प्राइसिंग कितना होता है और कितने में कॉस्टिंग पड़ती है पाउच की। सबसे पहले आप इस टाइप का बोतल से पाउच बनाते हो, खुद का लेप प्राइस आपको कितने में गिरेगा ये पाउच। तो ये बोतल से पाउच 150 ml का पाउच है दोस्तों। इसको बनाने का खर्चा 1.60 रुपये में लैंडिंग पड़ेगा आपको, ठीक है। इसके अंदर ये 90 पैसे का पाउच आ गया, 50 पैसे का मटेरियल आएगा, 1.40 रुपये, 10 रुपये का मेंटेनेंस आप गिन लो, 10 पैसा अदर खर्च, 1.60 रुपये में 150 ml का ये पाउच आपको घर में लैंडिंग गिरेगा। ये पाउच की कीमत है दोस्तों 5 रुपये कीमत है, जिसके अंदर यहाँ पे भी इसमें लिखा हुआ है 5 रुपये कीमत, और मार्केट में भी ये 5 रुपये में बिकता है रिटेल काउंटर में। अगर आप ये पाउच कोई होलसेलर का देते हो, जैसे कोई होलसेलर का बड़ा मार्केट है आपके वहाँ पे, वहाँ पे जाके 1000-2000-3000 पाउच देते हो, तो आप उनको 3 रुपये में दे सकते हो। 3 में नहीं देते हो तो 2.5 रुपये में भी दे सकते हो, आराम से 2.5 रुपये में खरीदता है। अगर आप डायरेक्टली रिटेल काउंटर को, जो ठंडा चिल्ड करके सेल करता है, उसको काउंटर करते हो, तो वो आपसे 3 से 3.5 रुपये में आप उनको दे सकते हो दोस्तों। ये मशीन है सिंगल हेड की मशीन है, ये वाली मशीन है डबल हेड की मशीन है। ये मशीन में से ऐसे पाउच 1 घंटे के अंदर 200 से 250 पाउच के प्रोडक्शन आप कर सकते हो 1 घंटे के अंदर। ये मशीन में से 2 आदमी एक टाइम में काम कर सकते हो, एक आदमी यहाँ पे काम कर सकता है, एक आदमी यहाँ पे काम कर सकता है। 1 घंटे के अंदर 450 से 500 पाउच की कैपेसिटी है मशीन की, ठीक है दोस्तों। अगर आप 2-3 घंटा एक्स्ट्रा टाइमिंग के अंदर ये काम करते हो, अगर फुल टाइम के लिए करना है तो आप कर सकते हो, बट स्टार्टिंग में अगर आप एक्स्ट्रा टाइम के लिए 2-3 घंटे अपना फ्री वक्त निकाल के ऐसा प्रोडक्शन करके नेक्स्ट डे में मार्केट सेल करते हो, तो बहुत ही ज़्यादा आपको इनकम ये बिजनेस के अंदर हो सकती है दोस्तों। दूसरे नंबर में दोस्तों मैं आपको दूसरे पाउच की कॉस्टिंग बता दूँ कि इस टाइप का छोटा छोटा पाउच बनाते हो 50-50 ml के, जो बच्चे लोग पीते हैं इस टाइप का, तो इसका ये पाउच का कीमत है 55 पैसे का पाउच है, 55 पैसे का। इसके अंदर आपको 35 पैसे का, 30 से 35 पैसे का मटेरियल जाता है दोस्तों, और 5 से 10 पैसे का अदर खर्च पकड़ लेना है, 90 पैसे में लैंडिंग जाएगा 90 पैसे में दोस्तों।
इसका रिटेल प्राइस है जो बच्चे लोग खरीद के पीते हैं, 2 रुपए में खरीद के पीते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस टाइप का भी आप, इस टाइप का भी अलग अलग डिजाइनिंग का वेराइटीज भी बना सकते हो दोस्तों, इस टाइप का वेराइटी भी आप ये मशीन के अंदर से मैक कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों अगर आप इस टाइप का पेपर बोट टाइप का कोई भी ड्रिंक बनाते हो दोस्तों, तो इसको बनाने का खर्चा 3.5 रुपए का पाउच रहेगा, जो पाउच रहेगा विथ कैप और होल्डर, ये 3.5 रुपए का रहेगा। इसको आपको कैप फिट नहीं करना है दोस्तों, इसका कैप फिट हुआ हुआ ही आएगा, पाउच आप खरीदेंगे तो लॉकेड पाउच ही आएगा, लॉक किया हुआ, ठीक है। ये 3.5 रुपए का पाउच गिरेगा, 90 पैसे का इसके अंदर मटेरियल जाएगा दोस्तों, इसलिए आपको पड़ेगा 4.40 रुपीज 10 पैसा अदर मेंटेनेंस पकड़ के 4.5 रुपए में लैंडिंग आएगा। इसका सेलिंग प्राइस 10 रुपया, बाजार में 10 रुपए में बिकता है पाउच दोस्तों। आप होलसेलर को इसको 8 रुपए 7 रुपए तक भी दे सकते हो दोस्तों। ये पाउच भी आप 1 घंटे के अंदर 200 पाउच का प्रोडक्शन ये मशीन के अंदर से कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट सेटअप में अगर इस टाइप का आपको पेट बोतल फिलअप करना है इसके अंदर, जैसे आपके मार्केट में माजा पीते होगे, फ्रूटी पीते होगे, तो इस टाइप का पेट बोतल भी अगर आपको फिल करना है तो ये मशीन के अंदर आप पेट बोतल भी फिट कर सकते हो। हाथ से ढक्कन इसका फिट करना है, अगर हाथ से फिट नहीं करना है तो इसका हम आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक कैपिंग मशीन भी लगा देंगे, जिसका चार्ज आपको एडिशनल देना पड़ेगा, मशीन के कीमत से एक्स्ट्रा कॉस्ट इसका कैपिंग मशीन हम लगा देंगे आपको, आप बोतल कैपिंग इसके अंदर से कर सकते हो। ये बोतल 200 ml बनाने का खर्चा दोस्तों आपको मैक्सिमम 4.5 रुपए में लैंडिंग जाएगा। इसके अंदर फ्लेवर आ गया, इसका बोतल आ गया, इसका ढक्कन आ गया, इसका स्टिकर आ गया, एवरीथिंग इंक्लूड 4.5 रुपए में। मार्केट में आप इसको रिटेल प्राइस 10 रुपया, आप इसको होलसेल में 7 रुपया 8 रुपए में मार्केट में सेल कर सकते हो। तो आज की तारीख में दोस्तों बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया बिजनेस है, बहुत ही अच्छा चलने वाला बिजनेस है। मैं आपको इस टाइप का पेपर बोट टाइप का एक पाउच इसमें से फिल अप करके बताता हूं कि इसको फिल कैसे करना है। एक कैप को आपको खोलना नहीं है, ढक्कन तभी खुलेगा जब आदमी इसको चील्ड करके पिएगा, जब ड्रिंकिंग होने के लिए जाएगा तभी इसका ढक्कन खुलेगा दोस्तों, ठीक है। इसके लिए भरने के लिए यहाँ पे इसका एक पॉकेट दिया रहता है, आप देख सकते हो यहाँ पे ऊपर की तरफ इसका एक पॉकेट दिया गया दोस्तों। ये पॉकेट को ऐसे ओपन करना है आपको और यहाँ पे ग्रिप पे लगा देना है आपको, इसको ग्रिपिंग पे आपको ऐसे लगा देना है, ये ग्रिप पे लग चुका है। उसके बाद यहाँ पे बटन दबाना है। हमने अभी 200 ml का सेट किया इसलिए इसमें से 200 ml ही ड्रिंक निकलेगा, आप देख सकते हैं ये पाउच भर रहा है पूरा, ये भर के रेडी हो चुका है, जितना हमने सेट किया उतना भर के ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सीलिंग करना है, ये सीलिंग मशीन है इसका, ये सील हो चुका है दोस्तों, ये मार्केट में सेलिंग के लिए तैयार है, मार्केट में जाने के लिए, ड्रिंकिंग के लिए तैयार है दोस्तों। ये रिटेल काउंटर कोई भी इसको चिल्ड करने अपने फ्रीजिंग में रखेंगे और मार्केट में 10 रुपए में आराम से ये चीज बिकेगा दोस्तों, ठीक है। इसको अभी ढक्कन खोल के, इसमें ढक्कन में सील रहता है, सील खोल के कोई भी बंदा ड्रिंकिंग कर सकता है इसको दोस्तों। और दोस्तों इसका जो फ्लेवर्स रहता है, फ्लेवर की रेसिपी, फ्लेवर कैसे बनाना है, फ्लेवर कहाँ से लेना है दोस्तों, सबसे पहले तो हम कोई भी मशीन देते हैं दोस्तों, तो मशीन के साथ कंप्लीट मशीन, इसकी पूरी पैकिंग, इस टाइप का 1000 पाउच का फ्लेवर और मशीन, ये पाउच को पैक करने के लिए इसका सीलिंग मशीन है, ये सब अटैचमेंट हम मशीन के साथ में आपको कॉम्प्लीमेंट्री में फ्री में देते हैं दोस्तों। नेक्स्ट के लिए पाउच कहाँ से खरीदना है दोस्तों, फ्लेवर कहाँ से खरीदना है, उसका डायरेक्टली फैक्ट्री का मैन्युफैक्चरिंग का हम आपको नंबर दे देंगे दोस्तों। आप डायरेक्टली आपको जितना रिक्वायरमेंट है, इस टाइप का पाउच लेना है, चाहे आपको इस टाइप का पाउच लेना है, चाहे आपको इस टाइप का पाउच लेना है, चाहे आपको खाली बोतल लेना है, खाली ढक्कन लेना है, कोई भी चीज लेना है, हम आपको डायरेक्टली जो इनको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं दोस्तों उनका डायरेक्टली आपको कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर देंगे दोस्तों, जिससे आप डायरेक्टली कंपनी में से परचेस करके अपना एक बिजनेस ग्रो अप कर सके, अपना एक बिजनेस बढ़ा सके दोस्तों। इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे मॉडल है, सिंगल हेड की मशीन है, डबल हेड की मशीन है, उसके बाद हेवी में जाना है आपको तो 4 हेड की मशीन है, जिसके अंदर 4 अलग अलग आदमी एक साथ बैठ के काम कर सकते हैं। ये मशीन की 1 घंटे की कैपेसिटी है, 900 से 1000 पाउच 1 घंटे के अंदर आपको बना के देंगे। जैसे आप ये पाउच बनाओ, चाहे आप ये पाउच बोतल बनाओ, चाहे आप इस टाइप का पेपर बोट टाइप का बनाओ, आप जैसा भी ब्रांड का जैसा भी चीज बनाओ दोस्तों, 1 घंटे के अंदर 800 से 900 पाउच आप ये मशीन के अंदर मैन्युफैक्चर कर सकते हो दोस्तों। मशीन के बारे में मैं आपको थोड़ी नॉलेज दे दूं दोस्तों, तो मशीन हमने पूरी स्टेनलेस स्टील से बनाई गई है, कहीं पे भी इसमें लोहे का या एमएस का यूज नहीं किया है। दूसरे नंबर में दोस्तों ये पूरी इसकी नोजल रहती है, पूरी हेवी ड्यूटी हमने नोजल लगाई है, प्लस यहाँ पे वेलक्रोबल पाइप लगाई है, आप देख सकते हैं ये पूरी वेलक्रो हो जाएगी, जिससे आपको पाउच लगाने में आसानी होगी,
इसमें बहुत सारी पाइपें स्टील की आती है, लेकिन वो ज्यादा प्रेस देने से पाइप मुड़ जाती है, जिससे आपको नया पाइप लगाना है, उसका मेंटेनेंस कौन आता है क्या है, तो बहुत दिक्कत होती है। तो इस हिसाब से हमने पूरी वेलक्रोबल लगाई है। यहाँ से आप ऑटोमेटिकली सेट कर सकते हो कि आपको 50 ml पाउच भरना है कि 200 ml का पाउच भरना है कि 250 ml का बोतल भरना है या 150 ml का पाउच भरना है, जो भी चीज आपको भरना है वन टाइम यहाँ से आपको उसको सेटिंग कर लेना है अपने हिसाब से। दोस्तों यहाँ पे हमने इसका एक बोर्ड भी लगा के दिया, आप देख सकते हो दोस्तों, जिससे आपको सीलिंग मशीन है उसका कनेक्शन कहीं और से नहीं देना है, मशीन के अंदर से सीलिंग मशीन का कनेक्शन चला जाएगा। दोस्तों जैसे कि ये सीलिंग मशीन अभी हमने लगाई यहाँ है, यहाँ पे बोर्ड पे लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं। अभी आपको सीलिंग मशीन यहाँ पे लगाना है तो आप सीधा कनेक्शन यहाँ पे मशीन में ही दे सकते हो दोस्तों, ये मशीन के अंदर ही कनेक्शन सीधा चला जाएगा इसका, ये मशीन के अंदर लगा के स्विच चालू कर देना, इससे आपका सीलिंग मशीन हो जाएगा स्टार्ट दोस्तों, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी स्टेनलेस स्टील की पोर्टेबल मशीन है, पूरी स्टिकरिंग हमने कर दी है हमारी डॉल्फिन अप्लायंस ब्रांड की। तो इस टाइप की मशीन हम आपको कंप्लीट करके पूरी पैकिंग करके कंप्लीट बना के देंगे दोस्तों। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं मशीन के साथ क्या क्या मटेरियल साथ में आएगा दोस्तों। ये अगर आप छोटी मशीन लेते हो दोस्तों तो मशीन के साथ आपको कंप्लीट मशीन, इसके 1000 पाउच के फ्लेवर, ठीक है, पूरी मशीन की पैकिंग और ट्रांसपोर्टेशन, ये सब चीज मशीन के साथ प्राइस के साथ इंक्लूड है दोस्तों। अगर आप फोर हेड की मशीन बड़ी खरीदते हो तो उसके साथ आपको 2000 पाउच का फ्लेवर, दो सील करने के सीलिंग मशीन आएंगे और एक फ्लेवर बनाने के लिए हेवी ड्यूटी मिक्सचर मशीन आएगा दोस्तों। ये सब चीज आपको मशीन के साथ कॉम्प्लीमेंट्री में फ्री में मिलेगा दोस्तों। ज्यादा डिटेल, ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी डायरेक्ट कंपनी के नंबर पर कॉन्टेक्ट करके मशीन की प्राइसिंग जान सकते हो कि मशीन की प्राइस क्या है, मशीन की डिलीवरी कैसे मिलती है, मशीन का ऑर्डर देने के बाद कितने दिन में मशीन तैयार होती है, मशीन का एडवांस कितना देना है, बैलेंस पेमेंट कैसे करना है, हर एक जानकारी हमारी सेल्स टीम के पास से आपको मिल जाएगी दोस्तों। वीडियो के ऊपर हमारी सेल्स टीम के नंबर कंटिन्यू ब्लिंकिंग हो रहे दोस्तों, वहाँ पर आप कॉलिंग करके हर एक जानकारी डिटेल फंक्शन ले सकते हो दोस्तों। हमारी सेल्स टीम मंडे से लेकर सैटरडे तक सुबह 10 बजे शाम को 6 बजे तक एक्टिव रहती है, वो टाइम पर आप कभी भी कॉल करके हर एक जानकारी डिटेल फंक्शन ले सकते हो दोस्तों। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक बार लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियो।